तो सीआईडी फेम दिनेश फडणीस के निधन की खबर है। सीआईडी फेम दिनेश के निधन की खबर है। 57 की उम्र में ली अंतिम सांस, 57 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आपको बताते चले कि हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, अब इनके मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था, जहां पिछले कई दिनों से दिनेश फडणीस चल रहे थे बीमार, जिनकी अब मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। सत्तावन साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। लगातार एक लंबे समय से इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिनके आज निधन की खबर सामने आते ही इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हार्ट अटैक के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी अब मौत की पुष्टि की जा चुकी है। राजधानी लखनऊ में फिर गर्जा बुलडोजर। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। नगर निगम जोन 3 के जानकीपुरम इलाके में चल रहा बुलडोजर। जानकीपुरम सारा स्टेट 2 नंबर गेट के बगल में चल रहा अभियान, तो जानकीपुरम सारा स्टेट 2 नंबर गेट के बगल पर यह अभियान चल रहा है, जहां अतिक्रमण की गई भूमि को नगर निगम करा रहा है खाली। इस दौरान अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। कुछ जमीनों पर अवैध निर्माण को छोड़कर आगे निकला बुलडोजर। पड़ोस में अवैध डेयरी पर मेहरबान हुई नगर निगम की टीम, तो अवैध डेयरी पर नगर निगम की टीम मेहरबान होती हुई नजर आ रही है, और इन सब के बावजूद भी एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिली है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कांग्रेस के गढ़ की दिलचस्प कहानी, कांग्रेसी दिग्गजों की कर्म की निशानी, नहीं गलती विरोधी दलों की दाल, कांग्रेस ही जीतती है साल दर साल। ना समीकरणों का खेल, ना लहर का असर, देखिए देश का मुखिया कौन में रायबरेली का रण, 5 दिसंबर 2023 मंगलवार रात 8 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर, सच्ची खबर।